फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज मैं आपके लिए जो वीडियो बना रही हूँ वो हम अम्ब्रेला कट टॉप की बनाएंगे। ये हम 8 से 10 साल की बेबी के लिए बना रहे हैं। जो हमारी बेबी है वो थोड़ी हेल्दी है, तो हमने ये 10 ईयर के हिसाब से मेजरमेंट लिया है। चेस्ट 28 इंच, वेस्ट 25 इंच और जो वेस्ट लेंथ है वो 12 इंच है, शोल्डर 12 इंच, जो टॉप की लेंथ हम रखेंगे वो 26 इंच रखेंगे। पहले हम आपको पेपर पर रफली बताएंगे। हम अपनी वेस्ट का फोर्थ भाग रखेंगे और चेस्ट का फोर्थ भाग रखेंगे। पहले हम इस तरह फोल्ड करेंगे जो हमारा फैब्रिक है डबल, और फिर यहाँ से एक कोना फोल्ड करेंगे। इस तरह हमने पेपर को तिकोना फोल्ड कर लिया है। अब हमें निशान लगाने होंगे। ये पेपर हमारा छोटा है तो हम सेंटीमीटर में निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर शोल्डर का हाफ रखेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये वाली जो हमारी लाइन है वो हमारी यहाँ पर कितनी है। तो यह हमारी 8 है, तो यहाँ से हम ऊपर की साइड से, बंद की साइड से 2 सेंटीमीटर कम कर लेंगे। फैब्रिक में हम 2 इंच कम करेंगे और अब हम इसको यहाँ से इस तरह मिला लेंगे। तो अब हमारी ये सीधी लाइन हो गई है। तो जो हमारा शोल्डर का हाफ है ये वाला है। अब यहाँ से हम शोल्डर का हाफ जो हमने लिया है उतना हम यहाँ पर आर्म होल के लिए रखेंगे। और हाफ इंच इसमें, यानी कि हाफ सेंटीमीटर इसमें प्लस कर लेंगे। यहाँ से अपनी वेस्ट का फोर्थ भाग लेंगे। तो यहाँ बाहर की साइड हाफ इंच रखेंगे और ये हमारा फ्रंट का होगा। वैसे बच्चों के में हम रखते नहीं है, ये हम केवल आपको समझा रहे हैं। अब हम यहाँ पर वेस्ट की लेंथ रखेंगे। जो ऊपर की हमारी चोली है वो 12 इंच है, तो हमने ये 12 सेंटीमीटर रखा है। फिर हमने एक यहाँ पर एक निशान लगा लिया है, जैसे हिप लाइन पे लगाते हैं। इसमें हम हिप लाइन नहीं बनाएंगे, लेकिन जिससे हमारी शेप अच्छी आए इसलिए हमने यहाँ पर ये 3 या 4 सेंटीमीटर रख लिया है। यहाँ से हम अपनी लेंथ रखेंगे। और इसको इसी तरह घुमाएंगे 26 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये हमारे नीचे घेर आ गए हैं। तो अब हमें यहाँ पे ये थोड़ी सी गोलाई करनी होगी इसकी। तो ये हम इस तरह निशान लगाएंगे। हमने केवल यहाँ पर ये 2 इंच कम किया है तो ये हमारी ये सीधी लाइन हो गई है। फिर जब ये सीधी लाइन हुई हमारी तो पूरा हमारा ये सीधा हो गया है। यहाँ पर नेक के लिए और ये शोल्डर डाउन। तो जो हम अपनी टॉप की कटिंग करेंगे वो इस तरह करेंगे, इसलिए हमने पहले आपको छोटी सी ड्राफ्टिंग पर इसको समझा दिया है। हमने ये 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है।
इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और इसको तिकोना फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को डबल किया और फिर इसको तिकोना फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे पहले। ये हमारा 6 इंच है। घेर अच्छा है इसलिए हमने यहाँ पर ये 1 इंच नीचे लिया है। अब हम समझाएंगे किस तरह हमने निशान लगा लिए हैं। इसमें सेम वैसे ही लगाए हैं जैसे हमने अपनी ड्राफ्टिंग में लगाए थे। यहाँ से हमने शोल्डर का हाफ लिया है, यहाँ से शोल्डर का हाफ और 1/2 इंच प्लस यहाँ से चेस्ट का 4th भाग और यहाँ से वेस्ट का 4th भाग। फिर हमने ये 3 इंच नीचे थोड़ा सा घेर के लिए रख लिया है इस तरह। बस जहाँ पे ये है हमारी वेस्ट लाइन, यहाँ से गोलाई कर देंगे इसकी। यहाँ से नेक रखेंगे ऊपर से। और एक बात हम और बताएंगे आपको, यदि आपकी इस तरह लेंथ कम हो तो जो नीचे हमारा फैब्रिक बचा है ये नीचे वाला, इसको हम इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और जो हमारी लेंथ कम है तो उसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे इस तरह। यहाँ हमने ये 1/2 इंच और बढ़ाया है। पहले हमने 2 इंच रखा था लेकिन ये बड़े बच्चे का है तो हमने 2.5 इंच रखा है और यहाँ से भी 1/2 इंच बढ़ाया है। ये बैक का हम कट करेंगे 2 इंच का और ये हम फ्रंट के लिए कट करेंगे। फ्रंट से हम थोड़ा सा ओपन करेंगे इसमें डिजाइन डालने के लिए। ये हमने जो हमारी वेस्ट लाइन थी वहाँ पर एक और लाइन बनाई है 1/2 इंच नीचे। नेक तैयार करने के लिए हमने ये पट्टी कट की है और ये पाइपिंग तैयार की है। पाइपिंग के हम छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और एक साइड पूरे नेक में इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। पहले हमने इसको ऐसे सेट कर लिया है निडिल से। अब इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे तो ये पट्टी हम इस तरह लेंगे। जहां तक ये हमारी कटिंग है वहां तक हम सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमने ये दोनों पट्टी यहाँ पर सेट कर ली है और यहाँ पर आयरन किया है जिससे ये दोनों पट्टियां हमारी सेट हो जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, ये पट्टी लेंगे हम और बैक साइड इनको इस तरह सेट कर देंगे। जो ये वाली पट्टी है इसको हम अंदर की साइड करेंगे और जो ये वाली पट्टी है इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखेंगे इस तरह। अब जो ये बढ़वा पट्टी है इसको हम अंदर की साइड रखेंगे इस तरह।
और ये वाला जो पीस है जिस पे हमने ये लगाया है इसको इसके ऊपर कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह आ गया है यहाँ से, ये नेक हमारा। अब हमें क्या करना है, जो बैक साइड है उसको कट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। चाहे तो हम कट कर सकते हैं, चाहे इसको हम यहाँ फोल्ड भी कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे, और जो ये है इसको हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह ये हमारा नेक यहाँ से तैयार हो गया है। अब हम इसके शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। अब हम ये वाला फैब्रिक लेंगे और इसकी 22 ग्रेन की पट्टियाँ कट करेंगे और इसका नेक कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने 22 ग्रेन की पट्टी ली है, इसको हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा इसको हम पट्टी को एक्स्ट्रा रखेंगे बाहर की साइड। जो हमारा ये एक्स्ट्रा है इसको अंदर की साइड इस तरह फोल्ड करेंगे और इसको पूरा अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इस तरह हमने अपना ये नेक कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारी ये वेस्ट लेंथ है, यहाँ पर हम जिस तरह जीन्स में और पैंट में लूप्स लगी रहती हैं मिट्टी वगैरह में, इस तरह यहाँ पर लूप्स तैयार करेंगे। तो दो हम इस साइड लगाएंगे इस तरह, और दो इस साइड लगाएंगे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। और इसी तरह ये तो फ्रंट पोर्शन है, बैक में भी इसी तरह हम चार लूप लगाएंगे। तो पहले इसके लिए लूप्स तैयार कर लेंगे। ये इस तरह हमने लूप्स अपनी तैयार कर ली हैं, थोड़ी हमने इसकी चौड़ाई रखी है। अब हमें यहाँ से 2-2 इंच की दूरी पर इनको सेट करेंगे। इसको इस तरह हल्का सा फोल्ड करेंगे, दोनों साइड से इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और सेट कर देंगे। इस तरह हमने यहाँ पे ये एक सेट किया है और यहाँ पर हमें ये चार सेट करने हैं। इसी तरह हमें बैक में सेट करने हैं जो हमारी वेस्ट लेंथ है वहाँ पर। इतनी लूप्स यहाँ पर सेट की है और ये बैक में भी। अब हम इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे, जहाँ पर ये हमने निशान लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाएंगे। ये जो निशान है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे नीचे तक दोनों साइड। हमने ये साइड की सिलाई लगा ली है इसमें, ये देखिए इसका जो लुक है बहुत प्यारा आया है। करना है जैसे ये हमारे आर्म होल है, यहाँ पर हम जैसे हमने ये नेक पर डबल पट्टी लगाई है ऐसे ही यहाँ पर हम डबल पट्टी लगाकर और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अगर आपको स्लीव्स लगानी है तो आप यहाँ पर स्लीव्स लगा सकते हैं। यहाँ आर्म होल से हम अपनी 22 ग्रेन की पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह हमने यहाँ पर ये 22 ग्रेन की पट्टी को डबल सेट कर लिया है। अब हम इसको पूरा अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह। इस तरह हमने ये एक साइड का आर्म होल तैयार कर लिया है, इसी तरह हम दूसरी साइड का तैयार करेंगे। हमने दोनों साइड के आर्म होल तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसको नीचे से फोल्ड करना होगा, तो फोल्ड हम इसको इस तरह करेंगे।
पहले इसको एक बार फोल्ड करेंगे और फिर ये दूसरी बार फोल्ड करेंगे और पूरी गोलाई में सिलाई लगा देंगे। इस तरह हम इसको डोरी से एडजस्ट कर सकते हैं अगर यहाँ से हमारा लूज है तो। मैंने आपको अम्ब्रेला कट कुर्ती और फ्रॉक पहले भी बनाना सिखाया है, लेकिन वो लास्टिक वाला और दूसरी तरह की डोरी वाला बताया है। ये हमने कुछ नया बताया है लूप्स के साथ। और नीचे से इसको इस तरह हमने फोल्ड कर लिया है। नीचे से इसके घेर बहुत प्यारे आए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू।